हेलो फ्रेंड, कैसे आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम अगेन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन स्टार एक्शन पैकेट फिल्म सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। 1 नवम्बर को रिलीज हुई फिल्म हर रोज करोड़ों का कलेक्शन कर रही है। भूलभुलैया 3 के साथ टकराव के बावजूद सिंघम अगेन की शानदार परफॉर्मेंस बरकरार है। पहला हफ्ता पूरा होते होते फिल्म का कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर सिंघम अगेन का कलेक्शन बढ़ गया है। सिनेमिक के मुताबिक सिंघम अगेन ने पहले हफ्ते में 173 करोड़ की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ता पूरा होते होते फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को तो मिली थी, लेकिन 8वें दिन भी सिंघम अगेन ने 8 करोड़ रुपए की ही कमाई की थी। वही 9वें दिन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ती हुई सिंघम अगेन दिख रही है, क्योंकि इस फिल्म ने 11 करोड़ 5 लाख रुपए 9वें दिन इसने कलेक्शन कर लिया है। यानी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म ने 90 दिन कुल मिलाकर 192 करोड़ 5 लाख रुपए कमा लिए हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंघम अगेन भूलभुलैया 3 के साथ थिएटर में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में दिवाली पर एक दूसरे से टकराई थी। हालांकि कलेक्शन के मामले में सिंघम अगेन ने कार्तिक आर्यन की फिल्म को शिकस्त दे दी है। 90 दिन जहां सिंघम अगेन ने 192 करोड़ से ज्यादा कमाई की, तो वही भूलभुलैया का कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। वर्कशीट की बात करें अजय देवगन की, तो जल्दी ही आजाद में नजर आएंगे। 2025 में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में अजय देवगन के भाचे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा टंडानी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। अजय देवगन के पास रेड 2 और दे दे प्यार दे 2 भी पहले से ही लाइनअप में थी। वही अब उन्होंने शैतान 2, दुश्यम 2, गोलमाल 5 और धमाल का सिक्वल भी कंफर्म कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम अगेन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन स्टार एक्शन पैकेट फिल्म सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म हर रोज करोड़ों का कलेक्शन कर रही है। भूलभुलैया 3 के साथ टकराव के बावजूद सिंघम अगेन की शानदार परफॉर्मेंस बरकरार है। पहला हफ्ता पूरा होते होते फिल्म का कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर सिंघम अगेन का कलेक्शन बढ़ गया है। सिनेमिक के मुताबिक सिंघम अगेन ने पहले हफ्ते में 173 करोड़ की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ता पूरा होते होते फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को तो मिली थी, लेकिन 8वें दिन भी सिंघम अगेन ने 8 करोड़ रुपए की ही कमाई की थी। वही 9वें दिन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ती हुई सिंघम अगेन दिख रही है, क्योंकि इस फिल्म ने 11 करोड़ 5 लाख रुपए 90 दिन इसने कलेक्शन कर लिया है। यानी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म ने 90 दिन कुल मिलाकर 192 करोड़ 5 लाख रुपए कमा लिए हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंघम अगेन भूलभुलैया 3 के साथ थिएटर में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में दिवाली पर एक दूसरे से टकराई थी। हालांकि कलेक्शन के मामले में सिंघम अगेन ने कार्तिक आर्यन की फिल्म को शिकस्त दे दी है। 90 दिन जहां सिंघम अगेन ने 192 करोड़ से ज्यादा कमाई की, तो वही भूलभुलैया का कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। वर्कशीट की बात करें अजय देवगन की, तो जल्दी ही आजाद में नजर आएंगे। 2025 में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में अजय देवगन के भाचे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा टंडानी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। अजय देवगन के पास रेड 2 और दे दे प्यार दे 2 भी पहले से ही लाइनअप में थी। वही अब उन्होंने शैतान 2, दुश्यम 2, गोलमाल 5 और धमाल का सिक्वल भी कंफर्म कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम अगेन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन स्टार एक्शन पैकेट फिल्म सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म हर रोज करोड़ों का कलेक्शन कर रही है। भूलभुलैया 3 के साथ टकराव के बावजूद सिंघम अगेन की शानदार परफॉर्मेंस बरकरार है।
पहला हफ्ता पूरा होते होते फिल्म का कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर सिंघम अगेन का कलेक्शन बढ़ गया है। सिनेमिक के मुताबिक सिंघम अगेन ने पहले हफ्ते में 173 करोड़ की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ता पूरा होते होते फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को तो मिली थी, लेकिन आठवें दिन भी सिंघम अगेन ने 8 करोड़ रुपए की ही कमाई की थी। वही नवे दिन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ती हुई सिंघम अगेन दिख रही है, क्योंकि फिल्म ने 11 करोड़ 5 लाख रुपए नवे दिन इसने कलेक्शन कर लिया है। यानी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म ने 90 दिन कुल मिलाकर 192 करोड़ 5 लाख रुपए कमा लिए हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंघम अगेन भूलभुलैया 3 के साथ थिएटर में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में दिवाली पर एक दूसरे से टकराई थी। हालांकि कलेक्शन के मामले में सिंघम अगेन ने कार्तिक आर्यन की फिल्म को शिकस्त दे दी है। 90 दिन जहां सिंघम अगेन ने 192 करोड़ से ज्यादा कमाई की तो वही भूलभुलैया का कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। वक्फ हेड की बात करें अजय देवगन की तो जल्दी ही आजाद में नजर आएंगे। 2025 में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में अजय देवगन के भाचे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा टंडानी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। अजय देवगन के पास रेड 2 और दे दे प्यार दे 2 भी पहले से ही लाइनअप में थी। वही अब उन्होंने शैतान 2, दुष्यम 2, गोलमाल 5 और धमाल का सिक्वल भी कंफर्म कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम अगेन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन स्टार एक्शन पैकेज फिल्म सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म हर रोज करोड़ों का कलेक्शन कर रही है। भूलभुलैया 3 के साथ टकराव के बावजूद सिंघम अगेन की शानदार परफॉर्मेंस बरकरार है। पहला हफ्ता पूरा होते होते फिल्म का कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर सिंघम अगेन का कलेक्शन बढ़ गया है। सिनेमिक के मुताबिक सिंघम अगेन ने पहले हफ्ते में 173 करोड़ की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ता पूरा होते होते फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को तो मिली थी, लेकिन आठवें दिन भी सिंघम अगेन ने 8 करोड़ रुपए की ही कमाई की थी। वही नवे दिन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ती हुई सिंघम अगेन दिख रही है, क्योंकि फिल्म ने 11 करोड़ 5 लाख रुपए नवे दिन इसने कलेक्शन कर लिया है। यानी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म ने 90 दिन कुल मिलाकर 192 करोड़ 5 लाख रुपए कमा लिए हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंघम अगेन भूलभुलैया 3 के साथ थिएटर में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में दिवाली पर एक दूसरे से टकराई थी। हालांकि कलेक्शन के मामले में सिंघम अगेन ने कार्तिक आर्यन की फिल्म को शिकस्त दे दी है। 90 दिन जहां सिंघम अगेन ने 192 करोड़ से ज्यादा कमाई की तो वही भूलभुलैया का कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। वक्फ हेड की बात करें अजय देवगन की तो जल्दी ही आजाद में नजर आएंगे। 2025 में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में अजय देवगन के भाचे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा टंडानी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। अजय देवगन के पास रेड 2 और दे दे प्यार दे 2 भी पहले से ही लाइनअप में थी। वही अब उन्होंने शैतान 2, दुष्यम 2, गोलमाल 5 और धमाल का सिक्वल भी कंफर्म कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंघम अगेन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन स्टार एक्शन पैकेज फिल्म सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म हर रोज करोड़ों का कलेक्शन कर रही है। भूलभुलैया 3 के साथ टकराव के बावजूद सिंघम अगेन की शानदार परफॉर्मेंस बरकरार है। पहला हफ्ता पूरा होते होते फिल्म का कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर सिंघम अगेन का कलेक्शन
बढ़ गया है। सेनेमिक के मुताबिक सिंगम अगेन ने पहले हफ्ते में 173 करोड़ की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ता पूरा होते होते फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को तो मिली थी, लेकिन आठवें दिन भी सिंगम अगेन ने 8 करोड़ रुपए की ही कमाई की थी। वही नवे दिन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ती हुई सिंगम अगेन दिख रही है, क्योंकि इस फिल्म ने 11 करोड़ 5 लाख रुपए नवे दिन इसने कलेक्शन कर लिया है। यानी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म ने 90 दिन कुल मिलाकर 192 करोड़ 5 लाख रुपए कमा लिए हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंगम अगेन भूलभुलैया 3 के साथ थिएटर में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में दिवाली पर एक दूसरे से टकराई थी। हालांकि कलेक्शन के मामले में सिंगम अगेन ने कार्तिक आर्यन की फिल्म को शिकस्त दे दी है। 90 दिन जहां सिंगम अगेन ने 192 करोड़ से ज्यादा कमाई की तो वही भूलभुलैया का कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। वर्कफेयर की बात करें अजय देवगन की तो जल्दी ही आजाद में नजर आएंगे। 2025 में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में अजय देवगन के भाचे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा टंडानी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। अजय देवगन के पास रेड 2 और दे दे प्यार दे 2 भी पहले से ही लाइनअप में थी। वही अब उन्होंने शैतान 2, दुश्यम 2, गोलमाल 5 और धमाल का सिक्वल भी कंफर्म कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंगम अगेन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन स्टार एक्शन पैकेट फिल्म सिंगम अगेन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म हर रोज करोड़ों का कलेक्शन कर रही है। भूलभुलैया 3 के साथ टकराव के बावजूद सिंगम अगेन की शानदार परफॉर्मेंस बरकरार है। पहला हफ्ता पूरा होते होता फिल्म का कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर सिंगम अगेन का कलेक्शन बढ़ गया है। सेनेमिक के मुताबिक सिंगम अगेन ने पहले हफ्ते में 173 करोड़ की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ता पूरा होते होते फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को तो मिली थी, लेकिन आठवें दिन भी सिंगम अगेन ने 8 करोड़ रुपए की ही कमाई की थी। वही नवे दिन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ती हुई सिंगम अगेन दिख रही है, क्योंकि इस फिल्म ने 11 करोड़ 5 लाख रुपए नवे दिन इसने कलेक्शन कर लिया है। यानी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म ने 90 दिन कुल मिलाकर 192 करोड़ 5 लाख रुपए कमा लिए हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंगम अगेन भूलभुलैया 3 के साथ थिएटर में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में दिवाली पर एक दूसरे से टकराई थी। हालांकि कलेक्शन के मामले में सिंगम अगेन ने कार्तिक आर्यन की फिल्म को शिकस्त दे दी है। 90 दिन जहां सिंगम अगेन ने 192 करोड़ से ज्यादा कमाई की तो वही भूलभुलैया का कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। वर्कफेयर की बात करें अजय देवगन की तो जल्दी ही आजाद में नजर आएंगे। 2025 में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में अजय देवगन के भाचे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा टंडानी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। अजय देवगन के पास रेड 2 और दे दे प्यार दे 2 भी पहले से ही लाइनअप में थी। वही अब उन्होंने शैतान 2, दुश्यम 2, गोलमाल 5 और धमाल का सिक्वल भी कंफर्म कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंगम अगेन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन स्टार एक्शन पैकेट फिल्म सिंगम अगेन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म हर रोज करोड़ों का कलेक्शन कर रही है। भूलभुलैया 3 के साथ टकराव के बावजूद सिंगम अगेन की शानदार परफॉर्मेंस बरकरार है। पहला हफ्ता पूरा होते होता फिल्म का कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर सिंगम अगेन का कलेक्शन बढ़ गया है। सेनेमिक के मुताबिक सिंगम अगेन ने पहले हफ्ते में 173 करोड़ की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ता पूरा होते होते फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को तो मिली थी, लेकिन
आठवें दिन भी सिंगम अगेन ने 8 करोड़ रुपए की ही कमाई की थी। वही नवे दिन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ती हुई सिंगम अगेन दिख रही है, क्योंकि इस फिल्म ने 11 करोड़ 5 लाख रुपए नवे दिन इसने कलेक्शन कर लिया है। यानी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म ने 90 दिन कुल मिलाकर 192 करोड़ 5 लाख रुपए कमा लिए हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंगम अगेन भूलभुलैया 3 के साथ थिएटर में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में दिवाली पर एक दूसरे से टकराई थी। हालांकि कलेक्शन के मामले में सिंगम अगेन ने कार्तिक आर्यन की फिल्म को शिकस्त दे दी है। 90 दिन जहां सिंगम अगेन ने 192 करोड़ से ज्यादा कमाई की तो वही भूलभुलैया का कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। वर्कफेड की बात करें अजय देवगन की तो जल्दी ही आजाद में नजर आएंगे। 2025 में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में अजय देवगन के भाचे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा टंडानी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। अजय देवगन के पास रेड 2 और दे दे प्यार दे 2 भी पहले से ही लाइनअप में थी। वही अब उन्होंने शैतान 2, दुष्यम 2, गोलमाल 5 और धमाल का सिक्वल भी कंफर्म कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंगम अगेन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन स्टार एक्शन पैकेट फिल्म सिंगम अगेन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म हर रोज करोड़ों का कलेक्शन कर रही है। भूलभुलैया 3 के साथ टकराव के बावजूद सिंगम अगेन की शानदार परफॉर्मेंस बरकरार है। पहला हफ्ता पूरा होते होते फिल्म का कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर सिंगम अगेन का कलेक्शन बढ़ गया है। सिनेमिक के मुताबिक सिंगम अगेन ने पहले हफ्ते में 173 करोड़ की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ता पूरा होते होते फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को तो मिली थी, लेकिन 8वें दिन भी सिंगम अगेन ने 8 करोड़ रुपए की ही कमाई की थी। वही 90 दिन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ती हुई सिंगम अगेन दिख रही है, क्योंकि इस फिल्म ने 11 करोड़ 5 लाख रुपए 90 दिन इसने कलेक्शन कर लिया है। यानी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म ने 90 दिन कुल मिलाकर 192 करोड़ 5 लाख रुपए कमा लिए हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंगम अगेन भूलभुलैया 3 के साथ थिएटर में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में दिवाली पर एक दूसरे से टकराई थी। हालांकि कलेक्शन के मामले में सिंगम अगेन ने कार्तिक आर्यन की फिल्म को शिकस्त दे दी है। 90 दिन जहां सिंगम अगेन ने 192 करोड़ से ज्यादा कमाई की तो वही भूलभुलैया का कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। वर्कफेड की बात करें अजय देवगन की तो जल्दी ही आजाद में नजर आएंगे। 2025 में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में अजय देवगन के भाचे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा टंडानी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। अजय देवगन के पास रेड 2 और दे दे प्यार दे 2 भी पहले से ही लाइनअप में थी। वही अब उन्होंने शैतान 2, दुष्यम 2, गोलमाल 5 और धमाल का सिक्वल भी कंफर्म कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिंगम अगेन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन स्टार एक्शन पैकेट फिल्म सिंगम अगेन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म हर रोज करोड़ों का कलेक्शन कर रही है। भूलभुलैया 3 के साथ टकराव के बावजूद सिंगम अगेन की शानदार परफॉर्मेंस बरकरार है। पहला हफ्ता पूरा होते होते फिल्म का कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर सिंगम अगेन का कलेक्शन बढ़ गया है। सिनेमिक के मुताबिक सिंगम अगेन ने पहले हफ्ते में 173 करोड़ की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ता पूरा होते होते फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को तो मिली थी, लेकिन 8वें दिन भी सिंगम अगेन ने 8 करोड़ रुपए की ही कमाई की थी। वही 90 दिन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ती हुई सिंगम अगेन दिख रही है, क्योंकि इस फिल्म ने 11 करोड़ 5 लाख रुपए 90 दिन इसने कलेक्शन कर लिया है। यानी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म ने 90 दिन कुल मिलाकर 192 करोड़ 5 लाख रुपए कमा लिए हैं।
रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंघम अगेन भूलभुलैया 3 के साथ थिएटर में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में दिवाली पर एक दूसरे से टकराई थी। हालांकि कलेक्शन के मामले में सिंघम अगेन ने कार्तिक आर्यन की फिल्म को शिकस्त दे दी है। 90 दिन जहां सिंघम अगेन ने 192 करोड़ से ज्यादा कमाई की तो वही भूलभुलैया का कलेक्शन 183 करोड़ रुपए हो गए हैं। वर्कफेयर की बात करें अजय देवगन की तो जल्दी ही आजाद में नजर आएंगे। 2025 में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में अजय देवगन के भाचे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा टंडानी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। अजय देवगन के पास रेड 2 और दे दे प्यार दे 2 भी पहले से ही लाइनअप में थी। वही अब उन्होंने शैतान 2, दुश्यम 2, गोलमाल 5 और धमाल का सिक्वल भी कंफर्म कर दिया है।